जिंदगी में। कावड़ का एक नियम होता है कि कावड़ को ये कंधे से ये कंधे पर रखना है तो सिर के ऊपर से कभी नहीं लिया जाता। कावड़ का एक नियम है, कावड़ को इस कंधे से इस कंधे पर लाना है तो सामने से लाया जाता है, पीछे से लाया जाता है, पर सिर पर से बार कर उसको वापिस नहीं लाते। सिर पर से बार कर। कावड़ का एक नियम होता है, जिस नारी का, जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती है उसको कावड़ यात्रा करने से पहले अपनी गोदी में धान चावल को भरना पड़ता है। गोदी में उसको, जब तक महादेव के दरवाजे तक नहीं चली जाती जब तक उसकी गोदी में वो धान चलते चलते उसकी झोली में वो हिलता रहता है, कावड़ का जल उसके कंधे पर रहता है। और जब वो कावड़, जिसकी औलाद नहीं संतान नहीं, जब वो कावड़ का जल महादेव को चढ़ाती है तो पहले जल समर्पित करने के बाद फिर चावल के दाने बाबा के उस शिवलिंग पर समर्पित करती है कि बाबा मेरी गोदी में तू यहां तक लेकर आया है, ये गोदी खाली मत छोड़ना, मेरी गोदी भर देना भले 25 साल हो गए। कावड़ यात्रा का नियम है, सिर पे से बार कर वापिस नहीं आती, सम्मुख से कावड़ निकल जाती। लंकाधिपति रावण को सुध पड़ी जब तुमरुका जी ने कहा जाओ लंकेश अगर तुम चाहते हो कि शंकर के शरीर में गंध पहुंची है, उस विष की, उस विष की गंध को समाप्त करना है तो तुम जाकर महादेव को जल अर्पित करो सावन के महीने में। उसी को हमारे यहां कावड़ कहा गया। अब विश्वास,